जी कोई फायदा तो ना हुआ। किस चीज का? ऐसा पाकीज़ा रूह परवर सीन देखा, हम तो समझे थे कि प्यार नहीं करेंगे तो लोग आपसे इतना प्यार नहीं करेंगे। आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग। एवरी एक्टर लव्स टू लुक गुड एंड एवरी एक्टर लव्स टू यू नो प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द सोल थिंग। वो आप सबसे फोकस आपका अपने आप पे होता है। बिल्कुल, जिस तरह आज आपके बालों पे आपका फोकस है, आज आपने नए हेयर कट करवाया। अच्छा नहीं, मेरा तो नहीं, ये तो खैर हेयर स्टाइलिस्ट का फोकस था जो कि मेरे बालों पे था। मैं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं मेरा ख्याल से बस ठीक है, मतलब एक आजकल का एक स्टैंडर्ड वो वॉशरूम का रास्ता बताती बात। आप कौन, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ शादी हाल में आई थी, किसी से वॉशरूम का पूछा तो एक खूबरू नौजवान खड़ा था। मैंने उसको कहा सुनिए, एकदम जो मुड़ा मैं तो दिल पकड़ के रह गई। हुआ ये कि वो जो मेरे अमरोहे वाले कज़न बिरादर थे, जिनसे मेरी निस्बत भी रही थी, बिल्कुल हू बहू उनकी शक्ल का लौंडा खड़ा था। उसने कहा यहाँ है वॉशरूम, तो मैं यहाँ आ गई। लो बताओ वॉशरूम कहाँ है? आपने कभी इतना खूबसूरत वॉशरूम देखा है? देखिए ये वॉशरूम नहीं है। अब भाई कोई इनको प्लीज लेके जाओ, वॉशरूम का रास्ता बताओ यार। ए भाई ओए मैं तो हैरानी रह गई। देखे देखे से लगे ये तो मुझे कहीं। जी मैं अदाकार हूँ, अदाकारी करता हूँ। आपने मेरी अक्सर फिल्में देखी होंगी, जवानी फिर नहीं आनी। ओए आई चर्बी कहाँ फेंक दी निकाल के हैं? पता नहीं लिपोसक्शन करा लिया, मैदा कटा लिया या गुब्बारा डलवा लिया। भैया कहाँ गई बड़ी भी? देखिए ये बड़ी भी किसको कहे है तू? आपको काय को बड़ी भी कहे? जो फुग्गा बना के बैठे हो तुम, बड़े नन्हे कहाँ के हो? बताऊं अभी आई नकली दांत नकली बाल लगा के सब आ जावे। और मैं तो खैर कह रही थी कि मैंने जवानी फिर नहीं आनी देखी अपनी लौंडियों के साथ जा जा के। कैसी लगी? इतनी प्यारी पिक्चर, इतनी प्यारी पिक्चर। उसमें जितनी भी खवातीन थी सबसे ज्यादा भरी भरी प्यारी खातून ये लगा था मुझे, ऐसा भरा भरा। और मैं भी जवानी में भाई वैसे ही भरी भरी थी, अल्लाह पूछो मत। चांदनी चौक के सारे लौंडे मेरे पीछे फिलेट थे। क्या थे? फिलेट। अच्छा इसकी इसने जो चर्बी घुलवा के नाला बुर्द की तो मुझे तो मैं भी हयात का सा लगा। क्यों? देखिए ये मेरे शो की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप क्या कर रही हैं ये? आई है रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे ऑन है क्या? जी कैमरे ऑन है। ये वॉशरूम में इतना बड़ा कैमरा तो नहीं फिट हो सकता ना, तो ये रिकॉर्डिंग ही हो रही है ना। तो भाई मैं ना जाऊंगी यहाँ से, मुझे तो इतने पसंद है ये कि मत पूछो। इनकी नानी की मैं बहुत बड़ी फैन, बहुत बड़ा नाम, मलका-ए-तरन्नुम नूर जहां हमारी शान। आज भी उनका कोई गाना गा दूं तो वक्त जैसे ठहर के थम के रह जावे। नहीं आप ना गाएं प्लीज। किस तरह भूले, देखिए कॉपीराइट का मसला पड़ जाएगा। अरे पहले ही यहाँ फैमिली पिलाने का मसला था, अब कॉपीराइट्स का मसला है। लो कर लो, इस खुदा दाद मुमलिकत में चैन नहीं है, सुकून नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए मैं किसी बंदे को बुलवाता हूँ, वो आपको सही रास्ता दिखा देगा। आप इस तरफ से निकलिए और दाएं जाने भइए। और जो मैंने अपने बंदे बुलवा लिए और तुझे यहाँ से डंडा डोली करके निकलवा दिया, तो फिर क्या करेगा तू ये बता दे। नहीं बड़ी भी देखिए, आपने जाना था ना गुसल खाने, तो वो यहाँ से दाएं निकल के है, आप गलत आ गई हैं। नहीं असल में मैं कंट्रोल करने में बहुत माहिर हूँ। अच्छा? मैंने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल किया हुआ बड़ी देर से उन्होंने। जब मैंने देखा अहमद अली बट बैठे हैं, ओए हाय मेरे तो खुशी की इंतहा नहीं रही। वो भी बड़े सोफे पे इतने से नजर आ रहा है। मैं सके जाऊं? थैंक यू। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहना चाहूँ, हुमायूं साहिब भैया अगली फिल्म में इस बच्चे को हीरोइन लेना। एक इनके साथ सेल्फी खींच लूं? इनके साथ भी खींचनी आपने? देखिए रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। ये भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं? जी जी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। ठीक है रेडी, 1 क्या बात है माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हो यहाँ मेरे बराबर में बैठ। भाई कह दिया जी जी। तो आपने खुद भी एक खातून का रोल किया था जवानी फिर नहीं आनी 2 के अंदर, मैना का रोल। जब से वो खातून इनमें रह गई अपनी कमर 36 करने में लग गए। आप देखें उनको बात तो करने दीजिए। अच्छा आपके चुप बैठूं मैं ना बोलूं जी प्लीज। जी तो आप कुछ कह रहे थे जी। वो खातून का रोल जो था वो असल में मैं और जो फिल्म के राइटर थे हमने हमेशा से सोचा हुआ था कि वो मुझे औरत बनाना चाहते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन आपकी कहाँ की थी, किनको आपने ऑब्जर्व करके? मैं ना अगर आपको याद हो हम लोग ने थोड़ा सा मैडम था उसमें और थोड़ी सी उसमें हम लोगों ने रखी थी टच टुटसी वाली। 2 चमचे मुसर्रत शाहीन भी डली थी उनमें जी। इंग्रेडिएंट बता रहा है ना बच्चे हैं। बिल्कुल आप देखिए उनको बताने दीजिए। हम लोगों ने उसकी जो ग्रेस थी वो हम लोगों ने मैडम वाली रखी थी। ठीक है। टोन जो थी वो हम लोगों ने ब्रिटिश टूटसी वाली। आप क्या कर रही हैं देखें। मैं तो कैमरे से छुप के पूछ रही थी उससे। चलें पूछ रही हूं। छुप के क्या 6 कैमरे लगे हुए, कौन सा छुप के है? फैमिली शो में आप मेरे से नंबर मांग रही हैं। तुम्हें किसने कहा है कि ऊंची आवाज में कह दो ये बात है चुप के होती। अब मुझे लिख के देना कौन सा अपने लिए मांग पहले वो जिसका जहां मांग रही थी। मेरा अपना तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप हमें बता रहे थे कि ये आपकी इंस्पिरेशन थी उस कैरेक्टर के पीछे। क्या ख्याल है अगर आपको हम एक सीन दिखाएं आपकी फिल्म का जो कि शायद आम आवाम ने नहीं देखा था उनके अंदर? अच्छा डिलीटेड सीन्स, ये हरकत होगी अब नदीम बेग जी दिखाई। चलो जी। भाई साहब आंखों पे पट्टी रखो। हाँ लगाइए सीन। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वैसे डिलीट करना पड़ा था। अच्छा माफ कर दो। टाइम भी नहीं होता ना, टाइम कभी शॉर्ट होता है। अब हमने तो देखा नहीं, सीधे साधे लोग हैं हम। आप प्लीज देख तो लीजिए 1 मिनट। दिखाओ भाई जी। कोई फायदा तो ना हुआ किस चीज का? ऐसा पाकीज़ा रूह परवर सीन देखा। हम तो समझे थे कि आप क्या बातें कर रही हैं खुदा के लिए। ये नी बोटी नापा शोर भाई, मैं तो जानू पता नहीं क्या नजर आने वाला है जो छुपा के रखा था। लो वो तो ये निकला भाई। आए क्या हुआ? आए क्या कंट्रोल खत्म हो रहा। मैं चलूं कहाँ को जाऊं जल्दी बता। इस तरफ प्लीज जाइए। इस तरफ जाऊं जी। अच्छा फिर मिलेंगे जी जी जी। अच्छा फिर मिलेंगे। नहीं इन कबूतरों को दाना पानी डाल दो। कबूतर नहीं म्यूजिशियन है ये। अच्छा मैं जाऊं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.